हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप भी पासपोर्ट बनवाने का सोच रहे हैं या फिर पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं या अपने पासपोर्ट अप्लाई कर चुके हैं, तो आपको किन किन बातों का जरूर में ध्यान रखना चाहिए, इस पर हम पूरी जानकारी देने वाले। तो बने रहिए वीडियो को एंड तक, एंड से बने तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना पासपोर्ट अप्लाई करते हैं, उसके बाद PSK यानी पासपोर्ट सेवा केंद्र के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं। वहाँ पे अपॉइंटमेंट हमको मिलती है, एक डेट और एक टाइमिंग प्रोवाइड की जाती है पासपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। हम PSK जाने के बाद वहाँ पे हमारे पूरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं, जबकि जैसे कि हमारे पूरे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे वेरीफाई हो जाते हैं, वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाने होते हैं। हाई स्कूल की मार्कशीट है तो आप SNR के डिग्री में आते हैं, और ECR का मतलब होता है कि इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, इसका फुल फॉर्म होता है। उस हिसाब से आपका वीजा भी प्रोवाइड किया जाता है। ECR और SNR पासपोर्ट दो के डिग्री के होते हैं। आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं, वहाँ पे डॉक्यूमेंट आप ओरिजिनल लेके जाते हैं, जैसे कि आपका ओरिजिनल आधार कार्ड हो गया, अगर आपने अप्लाई के टाइम पे अपना पैन कार्ड दिया है तो पैन कार्ड भी लेके जाना पड़े। अगर आपने पैन कार्ड नहीं दिया तो आप बैंक पासबुक प्रिंटेड जो प्रिंट हुई होती है वो आप लेके जा सकते हैं। और जैसे ही आपके वहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, उसके बाद आपका 1 से 2 दिन के अंदर अंदर, किसी PSK में तो एक हफ्ते का टाइम भी लग सकता है, बाकी मैनुअली अगर देखा जाए तो एक से दो दिन में आपके थाने में, आपके लोकल जो थाना होगा, लोकल का थाना, वहाँ से इंक्वायरी आएगी, वहाँ से आपको कॉल आएगा कि आपकी पासपोर्ट इंक्वायरी आ चुकी है, फिर अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाइए। सब आपको जो डॉक्यूमेंट्स आप लेकर गए थे पासपोर्ट ऑफिस PSK यानी पासपोर्ट सेवा केंद्र पे, तो वही डॉक्यूमेंट्स आपको वहीं थाने में भी लेके जाना, अपने लोकल के थाने में वहाँ पे लेके जाएंगे, और आपको एक हलफनामा बनवा लेना होगा। हलफनामे में लिखना होगा कि हाँ, ये जो मैं डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूँ ये सब एकदम पूर्णतः एकदम सत्य है, इसमें कोई भी गलत डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर इसमें कोई गलत डॉक्यूमेंट पाया जाता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। तरीके से आपको जमा करना होता, अगर थाने का कोई भी कर्मचारी एम्प्लॉय अगर आपसे कुछ मांगता है, यानी पैसे मांगता है कि आपका पासपोर्ट का इसमें खर्चा लगता है, आप 2000 दीजिए, 3000 दीजिए, किसी थाने में तो 5-5 हज़ार रुपये ले लेते हैं। अभी ऐसे केस सामने आया हुआ है, अभी स्क्रीनशॉट ऐड कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पुलिस से पैसे मांगे गए थे लेकिन इन्होंने कंप्लेन कर दी, तो जो घूस मांगा था उसको वहाँ से रिटायर कर दिया गया उस थाने से। तो अगर आपसे भी कोई थाने में कोई भी कर्मचारी पैसे मांगता है, पैसे की मांग करता है, तो आपको पैसे बिल्कुल भी नहीं देना है। ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि पैसे देंगे तभी आपकी फ़ाइल आगे भेजी जाएगी, ये इनकी ड्यूटी होती है, ये आपकी फ़ाइल ऑटोमेटिकली भेज देते। मैंने अपना पासवर्ड बनवाया था, मैंने भी 1 रुपये भी घूस नहीं दिया, मुझसे पैसे मांगे गए थे बट मैंने 1 रुपये भी उनको नहीं दिया, और मेरा जो पासवर्ड है बनकर बाई पोस्ट 1 हफ्ते के अंदर मेरे घर पहुँच गया। आपको भी थाने में कोई भी पैसा वगैरह नहीं देना है, इस बात का आपको ध्यान रखना। ये तो बिल्कुल भी नहीं घबराना, पैसे नहीं देंगे तो हमारा काम रोक देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, काम वगैरह लोग बराबर करेंगे। प्रॉब्लम आती है तो आप सीधा इसकी ऑफिस में जाके कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर आपको हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लेता है अपने RPO ऑफिस यानी कि रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, जो भी आपकी राजधानी होती है वहीं आपका रीजनल पासपोर्ट ऑफिस होता है। जैसे कि मैं UP से हूँ तो हमारा जो RPO ऑफिस पड़ता है वो पड़ता है लखनऊ। इस तरीके से आप भी अपनी राजधानी जो भी आपका RPO ऑफिस हेल्पलाइन नंबर पे, सबको समझ में आ गई होगी। अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी किसी भी तरीके का सुझाव है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।